नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। हाट पिपलिया, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, दिया गार्ड ऑफ ऑनर। छोटे पुत्र योगेश जोशी ने दी मुखाग्नि। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। हाट पिपलिया की सड़कें पड़ी छोटी। राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के अनेक बड़े भाजपा कांग्रेस नेता हुए अंतिम यात्रा में शामिल। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भी अंतिम विदाई देने पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजनीति के संत श्री कैलाश जी जोशी का पार्थिव देह आज पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके छोटे पुत्र योगेश जोशी ने पार्थिव देह को विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बाद मुखाग्नि की रस्म पूर्ण करवाई। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में राजनेता, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व अन्य प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य जन शामिल हुए। जोशी की तिरंगे से लिपटी देह भोपाल से बैरागढ़, सीहोर, आष्टा, सोनकच्छ होती हुई हाट पिपलिया तड़के 3:30 बजे पहुंची। महिला पुरुषों ने जगह जगह पुष्प व फूलमालाएं अर्पित की। हाट पिपलिया में अपने चहेते जोशी बाबा के अंतिम संस्कार के लिए जनसैलाब ऐसा उमड़ा कि नगर की सड़कें सकरी नजर आने लगी। उनका अंतिम संस्कार पंचतत्व में विलीन हुआ। राजनीति संत के निधन की खबर के बाद से ही समूचे अंचल भर में पूरा दिन नगर हाट पिपलिया सहित सतवास, चापड़ा, कांटाफोड़, बागली सहित कई नगर बंद रखे गए। मुक्ति यात्रा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह, चैतन कश्यप, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी, पूर्व मंत्री कमल पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा देवास, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदकिशोर पाटीदार, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार, आशीष शर्मा, पहाड़ सिंह कन्नौजे, जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, महापौर सुभाष शर्मा, दशरथ सिंह धाकर सहित बड़ी संख्या में राजनेता शामिल हुए। श्री जोशी के अंतिम संस्कार स्थलों को फूलों से सजाया गया था। जहां श्री जोशी की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया, इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इंसान को सबसे बड़े बहुत बड़े इंसान को पाया है। मैं समझता हूँ कि उसी रंग कर राजनीति के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और आज के जो राजनीति के विद्यार्थी हैं उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जाना सिर्फ हम लोगों की व्यक्तिगत क्षति नहीं है, पार्टी की क्षति नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज की क्षति है। ऐसे दो लोग जो इसमें शुचिता, शुद्धता और सादगी की राजनीति अभी भी पसंद करते हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जोशी जी उनके लिए अनुकरणीय रहेंगे हमेशा। और जोशी जी के ऊपर यदि हम कुछ शब्दों में उनके स्वभाव की, उनकी उपलब्धियों की, उनके गुणों की यदि हम प्रशंसा करें तो शब्द बहुत कम। जोशी जी के खिलाफ एक ग्रंथ हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि अब शायद मध्य प्रदेश में दूसरा अकेला शायद ही हमें मिल पाए, तो ये अपूर्णीय क्षति हमारी और राष्ट्रीय क्षति। खबर समय जगत के लिए हाट पिपलिया सोनकच्छ से हरिओम जैन की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।